जम्मू कश्मीर के नेताओं का ये कहना कि सेंटर इलेक्शन करवाए जम्मू कश्मीर में और हम सीधे जीत कर दिखाएंगे, ये बातें शायद बातें ही रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो जम्मू कश्मीर के अंदर अपने झंडे को लहराना चाहती थी, जो लोगों के बीच में ये बात कह रही थी कि अब सूरज की किरण जो है, रोशनी की किरण जो है, वो आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर उभर कर नजर आ रही है। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी, दिल्ली के बाद पंजाब के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हर्षदेव सिंह ने रिजाइन कर लिया है आम आदमी पार्टी से। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी हो चुका है बंद, लग गया है ताला। पैसा नहीं था किराए को किराया देने के लिए, तो मकान मालिक ने कहा भाई बिना किराए के तो आप यहां रह नहीं सकते। अब अगर आपकी आम आदमी पार्टी जो है वो अपने ऑफिस का किराया नहीं उठा सकती, तो क्या जम्मू कश्मीर की आवाम के दुख और दर्द का बोझ उठा सकती है? ये सवाल जनता के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए आज से 70 साल पहले की सरकारें जो आई उन्होंने कुछ किया? क्या आपको ये लगता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार अभी जो है यहां पर, उन्होंने जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए कुछ किया? जो ये आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अब अगर हम यहां पर अपनी लीडरशिप करते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर के निजाम को बदल देंगे। कल हमारा मुलाकात जो है एक्स फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीडीपी के नजीर अहमद लावई से हुई। नजीर अहमद लावई साहब का कहना यह था कि मैंने मुफ्ती साहब के साथ बचपन से ही काम किया है, लेकिन अब वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं। आखिरकार एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना क्यों? अब आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या वो आपके साथ पीडीपी को छोड़कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आएंगे? वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई दिग्गज नेता, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्या वो लोग जो आपके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त पे चल रहे थे, क्या अब आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में चलेंगे? और आम आदमी पार्टी का क्या? बदरवा से बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डोडा की आप बात करें या जम्मू कश्मीर की आप बात करें, जो नया सूरज, नई रोशनी, नई किरण आम आदमी पार्टी बनकर जो आ रही थी, वो अब डूब चुकी है, अंधेरे में जा चुकी है। क्योंकि आपको आपके ऑफिस से कई बड़े सारे नेता जिन्होंने ज्वाइन किया था, जिनको आपने ज्वाइन करवाया था, अब वो आपके साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को आने वाले असेंबली इलेक्शन में बहुत सटीक तरीके से सोचना पड़ेगा, और ये सोच जो है उनको उनके मुकाम तक लेके जाएगी, जिस मुकाम पर जम्मू कश्मीर के अवाम के मसलों मसाइल को हल किया जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर में लीडरशिप के नाम पर कोई अच्छा लीडर उभर कर सामने आएगा या नहीं, हमें जरूर बताइए। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स 3-year इंटीग्रेटेड क्लासरूम प्रोग्राम फॉर IAS, KAS स्पेशलाइज्ड फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्ट्रीम। ड्रीम बिग एंड प्रिपेयर अर्ली। फॉर काउंसलिंग विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर। फॉर मोर इन्फो कॉल ऑन 9469888333।